कहाँ से बोल रहे हैं आप? आप कहाँ करा है? सर हम शिक्षा विभाग में फोन लगाए हैं। शिक्षा विभाग में किसके पास? विजय कुमार चौधरी हाँ हाँ बोलिए। आप ही से बात हो रही है? हाँ ये मंत्री जी का नंबर है। जी तो आप कौन बोल रहे हैं मंत्री जी के? हम स्टाफ बोल रहे हैं। अच्छा स्टाफ बोल रहे हैं, तो उनसे बात कैसे हो सकती है? अभी उनसे तो बात हाउस चल रहा है, विधानसभा क्या सर? हाउस 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 रूल विधानसभा सत्र चलता है ना, जी, वही चल रहा है 1 सप्ताह। तो मतलब जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं श्री विजय कुमार जी, उनसे कब बात हो सकती है? अभी बात नहीं हो पाएगा विधानसभा पर। आप कौन सा बोल रहे हैं? हम सीईओ बोल रहे हैं सर, फाउंडर वासिम्पल के सीईओ बोल रहे हैं, सीईओ? फाउंडर वासिम्पल के। कुछ जानकारी चाहिए था। अभी जो रिसेंटली एक अपडेट आया है जिसमें अल्पसंख्यक के लिए 10,000 रुपया देने का प्रावधान है, तो आर्टिकल छपा है एक प्रभात खबर में, ये जानकारी सही है या फिर गलत, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना था। तो आ जाएगा पीए साहब, लोग से बात कर लिया जाएगा, उन लोग को मालूम होगा। और ना अल्पसंख्यक के है ना, जी, 1 मिनट हम नंबर देखते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वो लोग को मालूम होगा, तो समझे ना। आपके नॉलेज में नहीं है क्या? हाँ आपके नॉलेज में नहीं है? जी ना, हमको नॉलेज में नहीं है, क्या नाम हम हुआ देते हैं आपका? उनका नंबर देते हैं, समझे ना सर, जी, उनसे बात कर लीजिएगा, दीजिएगा देखते हैं नंबर। अरे नंबर। अल्पसंख्यक वाला है ना, जी, फाइव 89225। 9 225। किनका नंबर दिए आप? ये है विशेष निदेशक, नाम क्या है इनका? इनका नाम है चंद्रशेखर प्रसाद शर्मा। हाँ चंद्रशेखर प्रसाद। चंद्रशेखर प्रसाद शर्मा। चलिए ठीक है जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, चंद्रशेखर जी से बात हो रही है। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, चंद्रशेखर जी से बात हो रही है क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो,
अब डायल किया नंबर अभी बंद है या सो गाइस बात विशेष निदेशक हैं चंद्रशेखर शर्मा जी, इनसे बात करते हैं हम और आपको फिर जानकारी देते हैं। जो आर्टिकल छापा गया है 2021 में मैट्रिक में जो पास किए हैं अल्पसंख्यक छात्र छात्रा। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं आप? चंद्रशेखर साहब, अभी नंबर लिए हम आपका, सर सीईओ बोल रहे हैं, फाउंडर वा सिंपल के बोल रहा हूँ सर, के जो शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट है अल्पसंख्यक को 10,000 देने का आर्टिकल छपा गया एक प्रभात खबर में, उसके बारे में हम नहीं है उसके पदाधिकारी, कौन जानकारी देंगे? अल्पसंख्यक का कौन देते हैं? अल्पसंख्यक का 10,000 जो छात्रवृत्ति वाला? जी जी, एक आर्टिकल छपा गया है प्रभात खबर में, हमको नहीं डिटेल मालूम है उसके बारे में। तो कौन देंगे? आपका नाम क्या हुआ? चंद्रशेखर ही है ना आप? इनको तो पता ही नहीं है, डिटेल्स ही नहीं पता है इसके बारे में, ऐसे ही आर्टिकल निकल करके कुछ भी आ जाता है। देखते हैं, संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं मंत्री जी से, जो कि शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, क्या बताते हैं वो। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, शिक्षा विभाग से बात हो रही है अल्पसंख्यक? शिक्षा विभाग ये नहीं है, अल्पसंख्यक विभाग। जी जी, अल्पसंख्यक विभाग है, तो वहीं से नंबर मिला है, विजय कुमार जो है ना शिक्षा मंत्री, तो उनके पीए नंबर दिए हैं आपका। हम सीईओ बोल रहे हैं सर, वा सिंपल यूट्यूब चैनल है हमारा, सर सीईओ हम बोल रहे हैं, एक चैनल है हमारा, तो आप कौन बोल रहे हैं? आपको किनसे बात करनी है? हमें बात करना था जमा खान से। हाँ, मंत्री जी विधानसभा में आए हैं जी, अभी सेशन चल रहा है ना। जी जी, तो 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 के बीच में आएंगे तो बात हो जाएगी आपसे। जी अच्छा, तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन है? 4 दिन पहले एक आर्टिकल छापा गया था, उसमें बताया गया है कि जो भी 2021 में छात्र छात्रा पास किए हैं मैट्रिक, उनको 10,000 रुपया का राशि दिया जाएगा, तो इसकी सत्यता क्या है? अभी लाइव लोग सुन रहे थे आपको, तो जानकारी हो जाता उन्हें भी। नहीं नहीं, इस तरह का इस विभाग से कुछ नहीं निकला है। यहाँ से होता है ना, जो फर्स्ट क्लास मैट्रिक पास करते हैं जी, इंटर में फर्स्ट क्लास पास करते, तो वो पैसा शिक्षा विभाग ही देती है। तो शिक्षा विभाग के मैंने फोन लगाया था, तो उन्होंने बताया कि वहीं से पैसा होता है इस विभाग से, स्पेशली ये अल्पसंख्यक के लिए था जो आर्टिकल। तो आप एक डायरेक्टर का मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। जी सर, लिख लीजिए, डायरेक्टर हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के। जी जी, आप उनसे बात कर लीजिए, वो सारे डिटेल बता देंगे, जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है या प्रोत्साहन राशि दी जाती है बच्चों को। जी जी, उसके संबंध में सारा डिटेल बता देंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी में है जी, इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैट्रिक में पास किए हैं सभी बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हाँ, तो वही बता रहे थे कि 2-3 आर्टिकल में छापा गया था और इतने ब्रांड है पेपर में, तो कब का छपा हुआ है देख लीजिए, डेट थोड़ा देखा नहीं होगा तो हमको भी बताइए, हम लोग भी देखेंगे कहाँ से छपा, क्या छपा। नंबर लिखिए ना, नंबर बोलिए सर, 6287। ये डायरेक्टर है, ये आपको सारा डिटेल बता देंगे। नाम क्या है इनका सर? फैजी साहब। क्या सर? फैजी साहब। फैज अहमद नहीं थे? फैज अहमद खान। जी जी जी, फैजी जी बहुत बड़े राइटर थे, उन्हीं वही नाम है। जी जी जी, चलिए ठीक है सर। हेलो जी, हाँ मेरी बात फैजी जी हो रही है? जी मैं शमशाद हुसैन बोल रहा हूँ सर, सीईओ फाउंडर वा सिंपल के, कुछ जानकारी आपसे लेना था सर। अभी नंबर आपको आपका लिया मैं जी, जो एक 4 दिन पहले खबर छापा गया है प्रभात खबर में, उसमें बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक के छात्र छात्रा हैं 2021 में मैट्रिक पास किए हैं, उनको 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, हम आपका सवाल समझ नहीं पाए।
और हम एक मीटिंग में है, तो आप अगर 10 मिनट से बात करेंगे हम आपकी बात सुन पाएंगे। जी जी, तो कितने देर बात करूँ आपको? 20 मिनट से बात कीजिए, मीटिंग से हम होगा। चलिए ठीक है सर। हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर बताया गया है मैट्रिक पास 50,000 छात्रों को मिलेंगे 10,000 रुपये। विभाग ने राशि जो है जारी कर दिया है। तो किन लोगों को मिलेगा और ये आर्टिकल कब आया? हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे जानकारी दिया और कहा कि सर, प्रभात खबर में एक आर्टिकल आया है 23 जुलाई फ्राइडे को, और उसमें बताया गया है कि 50,000 छात्रों को 10,000 रुपये की राशि मिलेगी, जो अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी हैं। 50,114 यहाँ पर बताया गया है अल्पसंख्यक के जो विद्यार्थी हैं, उनको 10,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगी, छात्र एवं छात्रा दोनों को, जो 2021 में मैट्रिक पास किए हैं। इसकी सत्यता क्या है, उन्होंने मुझसे पूछा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आर्टिकल में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर, शिक्षा विभाग ने मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2021 में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक वर्ग के 50,114 विद्यार्थियों के लिए 50,11,00,000 रुपये जारी किए हैं। इस वर्ग के सभी विद्यार्थियों को 10,000 रुपये के मान से यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और भाषाई अल्पसंख्यक बांग्ला के छात्र छात्राओं को यह राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभुक अभ्यर्थियों के खाते में दी जाएगी। बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड ने फरवरी में मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया, जिसके बाद बोर्ड ने अप्रैल हफ्ते में इसका रिजल्ट जारी किया। बिहार बोर्ड में इस बार लगभग 16,84,00,000 छात्र शामिल हुए और 78% इसमें पास भी हो गए हैं। ठीक है, वहीं कोरोना को देखते हुए बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम है वो नहीं लिया, जिसके बाद इंटर व मैट्रिक परीक्षा 2021 में एक या दो विषय में फेल विद्यार्थियों को अतिरिक्त ग्रेस अंक देकर पास कर दिया गया। इन निर्णय से इंटर में 97,474 विद्यार्थी और पास हुए और 1,00,000 और अधिक छात्र मैट्रिक पास हुए। तो बता दें कि बिहार बोर्ड BSEB ने इस रिजल्ट जारी करते में इतिहास रच दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर था जब वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का परीक्षाफल 5 अप्रैल को जारी किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, जो अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है कि 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल मुझे बिहार के जो प्रभात खबर है उसमें मिला और साथ ही साथ कुछ न्यूज़ चैनल हैं उसमें मिला। हालांकि हमने सीधे संपर्क करने की कोशिश की विजय कुमार चौधरी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनसे तो हमारी बातचीत नहीं हो पाई और उनके जो कार्यकर्ता थे वो, उनके पास ये जानकारी मौजूद नहीं था। लगातार हमने कोशिश किया यहाँ पर बात करने की शिक्षा विभाग से या उनके कोई अधिकारी से जो इसके बारे में जानकारी दे सकें, तो अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल मेरे पास जानकारी नहीं आई है। लेकिन आर्टिकल में छापा गया, चूंकि प्रभात खबर इतनी बड़ी ब्रांड है तो यहाँ पर कोई गलत खबर नहीं छापा जाएगा। फिर भी अगर एक बार फिर बात हो जाती है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।